मूवीज में तो हम सब आयरन मैन के बहुत बड़े फैन हैं, बट क्या आपको पता है कि कॉमिक्स में आयरन मैन के बहुत सारे अल्टरनेट वर्जन्स भी हैं? तो गाइज मैं हूँ आमिश और आज मैं बात करूंगा टॉप 10 अल्टरनेट आयरन मैन के बारे में। ज़ॉम्बी आयरन मैन। मार्वल की ज़ॉम्बी यूनिवर्स की कॉमिक बुक में अर्थ पे ज़ॉम्बी वायरस फैल जाती है और इंसानों के साथ साथ सारे सुपर हीरोज भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और इसी बीच हमारा टोनी स्टार्क भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर इन सारे सुपर हीरोज की लड़ाई सिल्वर सर्फर से होती है और सर्फर को हराने और खाने के बाद इन सुपर हीरोज में कॉस्मिक सुपर पावर्स भी आ जाते हैं, जिससे कि आगे चलकर ये सारे गैलेक्टस से मुकाबला करते हैं। आयरन मैंड्रिल। जैसा कि मैंने अपने अल्टरनेट स्पाइडरमैन वाले वीडियो में स्पाइडर मंकी के बारे में बताया था, वैसे ही उसी एप यूनिवर्स में आयरन मैंड्रिल भी एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये पूरी तरह टोनी स्टार्क की ही तरह स्मार्ट है और जीनियस भी है, बट ये इंसान नहीं बल्कि एक बंदर है। एक और फन फैक्ट, इस यूनिवर्स में अवेंजर्स को अवेंजर्स के नाम से नहीं बल्कि एपवेंजर्स नाम से जाना जाता है। आयरन नोयर। आयरन नोयर एग्जिस्ट करता है मार्वल के नोयर कॉमिक सीरीज में, जिसमें स्टोरी 1930s की रहती है। इस सीरीज में आयरन मैन अपने स्टार्क टावर में रहने की जगह पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है और कई तरह के एडवेंचर्स का हिस्सा भी बनता है। स्टोरी इतने पुराने टाइम में होने के बावजूद इस एरा में भी वो एक कमाल का फ्यूचरिस्टिक आर्मर बनाता है और नाजी आर्मी से लड़ता है। सॉर्सरर सुप्रीम आयरन मैन। एक अल्टरनेट स्टोरी लाइन में जब टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज साथ में ड्राइव करते रहते हैं तो एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों के नर्व डैमेज हो जाते हैं और टोनी इसे अपनी गलती मानता है और इसका इलाज ढूंढते ढूंढते वो एंशिएंट वन के पास पहुंचता है और डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह वो सॉर्सरर सुप्रीम बन जाता है। अपने पावर्स को और एनहांस करने के लिए टोनी एक स्पेशल आर्मर भी बनाता है जिसमें आर्क रिएक्टर की जगह आई ऑफ एगोमोटो लगी रहती है। इनफेमस आयरन मैन। इनफेमस आयरन मैन की कॉमिक सीरीज में जब टोनी बुरी तरह से घायल हो जाता है तो डॉक्टर डूम उसकी जगह ले लेता है। इस सीरीज के कई मोमेंट्स में डॉक्टर डूम एज अ विलेन दिखता है तो कहीं एज अ हीरो। टोनी स्टार्क की जगह लेने के बाद ना सिर्फ वो उसके आर्मर को और एडवांस बनाता है बल्कि साथ ही डॉक्टर डूम के पावर्स और आर्मर के पावर्स मिलकर इनफेमस आयरन मैन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। आयरन नाइट। एक स्टोरी लाइन में मॉर्गन ली फे रियलिटी चेंज कर देती है जिससे कि सारे एवेंजर्स टाइम में पीछे की तरफ चले जाते हैं और खुद को मेडिएवल पीरियड में पाते हैं। इस टाइम पीरियड में एवेंजर्स क्वीन के गार्ड होते हैं और क्वींस वेंजेंस के नाम से जाने जाते हैं और इसी टाइमलाइन में टोनी स्टार्क आयरन नाइट के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर इस रियलिटी को स्कारलेट विच ठीक कर देती है और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। आयरन वुमन। एक अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी लाइन में टोनी स्टार्क का जन्म ही नहीं होता और उसकी जगह उसकी फीमेल वर्जन नताशा स्टार्क का जन्म होता है। टोनी के ही तरह नताशा भी काफी इंटेलिजेंट होती है और आगे चलकर उसी के तरह अपना आर्मर भी बनाती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं रहती बल्कि अवेंजर्स के फॉर्मेशन के बाद नताशा और कैप्टन अमेरिका की शादी हो जाती है जिससे कि सिविल वॉर के इवेंट्स होते ही नहीं है। आयरन गॉब्लिन। स्पाइडर आइलैंड कॉमिक सीरीज में टोनी स्टार्क म्यूटेट होकर स्पाइडर क्वीन बनता है, बट फिर वेनम उस पे वही गैस स्प्रे करता है जिससे कि नॉर्मन ऑसबर्न ग्रीन गॉब्लिन बना था और इस गैस के कारण टोनी स्टार्क आयरन गॉब्लिन बन जाता है। शुरुआत में तो वो सबका साथ देता है बट टाइम के साथ उस गैस से टोनी के दिमाग पे असर होने लगता है और वो धीरे धीरे पूरी तरह से विलन बनने लगता है। टोनी इससे बचने के लिए खुद को ही मान लेता है ताकि उससे किसी और को खतरा ना हो। स्टील कॉप्स। एज ऑफ एक्स के टोनी स्टार्क को एक म्यूटेंट से रिलेटेड डिजीज हो जाती है जिसमें टोनी अपने आर्मर से परमानेंटली अटैच हो जाता है और वो अपना नाम आयरन कॉप्स रखता है। सूट से रेगुलरली कनेक्टेड रहने के कारण टोनी की लाइफ धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन बात तब पलट जाती है जब वो कुछ सुपर हीरोज के साथ बच्चों को बचाने जाता है और इसी दौरान उसके आर्मर में एक प्रॉब्लम आती है जिससे उसका आर्मर बच्चों पर हमला करने लगता है। टोनी को कुछ और ऑप्शन नहीं सूझता तो वो कैप्टन अमेरिका को खुद को मारने के लिए बोलता है। आयरन लैंटर्न। अमेलगम कॉमिक सीरीज के बारे में आप सबको पता ही होगा, इसमें एक कैरेक्टर मार्वल से लिया जाता है और एक कैरेक्टर डीसी से और दोनों को मिलाकर एक नया कैरेक्टर बनाया जाता है और ऐसा ही हुआ आयरन मैन और हेल जॉर्डन के ग्रीन लैंटर्न के साथ। दोनों को मिलाकर बनाया गया आयरन लैंटर्न को। हालांकि ये कैरेक्टर उतना कुछ खास था नहीं, बट इसे खास बनाया आयरन मैन के इंटेलिजेंट माइंड ने, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न के पावर्स के साथ आयरन मैन जो कुछ सोच पाता था वो सेकंड्स में ही बना लेता था। आप सबको इनमें से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। आज की लाइक टारगेट है 7000 लाइक, तो यार अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। स्पाइडरमैन के अल्टरनेट वर्जन्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो और हल्क के अल्टरनेट वर्जन्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।